हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ऐसा कोई आदमी नहीं जो कि सेम के सब्जी ना खाया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का फायदा बताने वाला हूं, इसी का प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। इससे कौन कौन सा बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, इसके खाने से हमारे सेहत में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ मिलता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूं कि हम जितने भी आप सभी को प्राकृतिक उपचार सिखाते हैं, ये अभी नहीं तो बाद में चल करके आपको जरूर काम आएंगे। क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे, लेकिन आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। हमारी वीडियो में दिखाया जा रहा है फली, ये सेम है, इसे सेमी के नाम से भी जाना जाता है, सेम के नाम से जाना जाता है, अलग 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 इलाकों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप हमारी वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कॉमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश जरूर करना। इसे असम में उरी के नाम से जानते हैं, गुजरात में उलिया कहा जाता है, तमिल में मोचो के नाम से जाना जाता है, और इसे कई जगह राजसिमी के नाम से या काला लोबिया के नाम से जाना जाता है पंजाबी लोग। तो आइए इसका कुछ आयुर्वेदिक फायदा मैं आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, ये गले के दर्द को दूर करते हैं। मौसम बदलाव के साथ गले में दर्द होना, सर्दी खांसी जुकाम होना ये आम समस्या है, और गले के दर्द से अगर आप आराम पाना चाहते हैं तो इसका इस प्रकार से आपको सेवन करना है। 5 से 10 मिलीग्राम सेम के पत्ते का रस का सेवन करने से गले का दर्द दूर हो जाते हैं। दस्त संबंधी परेशानी है, अगर खान पान में बदलाव के कारण दस्त हो रहे हैं तो सेम के बीज का काढ़ा बना करके 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से उल्टी है, दस्त है, मूत्र संबंधी समस्या है या बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। पेट के दर्द से भी अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है उसमें भी काफ़ी आराम दिलाते हैं। मसालेदार अगर आप जो भी चीज़ खा लें, पेट में गैस भर रहे हैं, पेट में दर्द होने लगते हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके पेट पर लगाने से पेट का दर्द ठीक हो जाते हैं। पेट फूलने की समस्या है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बीजों को आग में भून करके खाने से पेट के जो फूलने की समस्या रहती है वह दूर हो जाती है। अल्सर में भी इसका प्रयोग होता है। अल्सर में किस प्रकार से प्रयोग होता है थोड़ा विस्तार से मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इसके बीजों को भैंस के दूध में पीस करके शाम के समय में अल्सर पर लगाना चाहिए, इससे अल्सर ठीक होते हैं। खुजली है, कभी कभी एलर्जी के कारण खुजली की समस्या हो जाती है, तो इसके पत्ते के रस में खुजली वाली जगह पर इसके पत्ते का रस लगाने से खुजली ठीक हो जाती है। दाद हैं, तो इसके पत्ते का रस लगाने से दाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको इसके पत्ते के रस में नींबू का रस मिला करके दाद पर लगाने तब आपको असर मिलेंगे। बुखार है तो इसके बीजों का काढ़ा बना करके 15 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में 1 ग्राम सोट मिला करके पीने से पुराने बुखार भी ठीक हो जाते हैं। सूजन है तो इसके बीजों को पीस करके सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। वैसे और भी इसके अनगिनत फायदे आने वाले, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को जो छोटी सी जानकारी बताई हूँ सेम के बारे में आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।